डॉक्टर दिव्या सुरेंद्र, वैज्ञानिक टीम मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर प्रिवेलिंग था, कहीं पे भी बारिश दर्ज नहीं किया। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दर्ज किया है रतलम में 46.2 डिग्री सेल्सियस और ईस्ट एमपी में नरसिंहपुर में 43.8 डिग्री सेल्सियस। वेस्ट एमपी में धार, खंडवा, खरगोन और रतलम ये रीजन में हीटवेव दर्ज किया। रतलम का सीवियर हीटवेव है, 7.2 डिपार्चर आया है और वार्म नाइट कंडीशन हमने इंदौर और उमरिया ये दो जगह में दर्ज किया है। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी नॉर्थन एमपी एंड वेस्टर्न एमपी का काफ़ी जगहों में टेम्परेचर 40-45 रेंज में चल रही है और आने वाले दिनों में भी ये कंडीशन परसिस्ट रहेगा और इसका मतलब हीट उसके हिसाब से हमने हीटवेव के लिए चेतावनी दे रही है। सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में है, वहाँ से एक ट्रफ लाइन तेलंगाना की तरफ ओवर मध्य प्रदेश चालू है और बंगाल की खाड़ी में अभी एक डीप डिप्रेशन है, वो आने मतलब आज शाम तक नॉर्थवर्ड मूव होकर साइक्लोन में इंटेंसीफाई होने का चांसेस है, लेकिन इसका असर एमपी के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं है। ईस्टर्न एमपी के कुछ एरिया में जैसे ये शिवनी बालाघाट ये रीजन में हल्का सा बारिश और थंडरस्टॉर्म का चांसेस है आज के लिए। अभी फोरकास्ट देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेस्टर्न एमपी का काफ़ी जगहों में हमने ऑरेंज और रेड अलर्ट दिया है और 44-46 रेंज में टेम्परेचर अभी इधर चालू है, तो आज ये रीजन में मॉडरेट टू सीवियर हीट वेव का चांसेस है। ईस्ट एमपी में टिकमगढ़ निवाड़ी में भी टेम्परेचर हाई चल रहे हैं, वहाँ पर भी रेड वार्निंग दिया है और ईस्टर्न एमपी का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे बालाघाट, मंडला, डिंडोरी ये रीजन में अभी ये हल्के से बारिश और थंडरस्टॉर्म का चांसेस है। एंड कल का स्थिति देखा गया तो ये हीटिंग और स्प्रेड हो रही है सेंट्रल एमपी में भी और ईस्ट एमपी का भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में हीटवेव कंडीशंस का चांसेस है। तो कल वेस्ट एमपी और नॉर्थन एमपी का डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट दिया है और साउथ एंड सेंट्रल एमपी में ऑरेंज और येलो अलर्ट में हम हीटवेव वार्निंग दिया है और उमरिया में वार्म नाइट कंडीशंस का भी चांसेस है, मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है और ये स्थिति अगले 27th में भी कंटिन्यू रह रही है। ऑलमोस्ट नॉर्थर्न एमपी एंड ईस्ट एमपी का निवाड़ी, वेस्ट एमपी का नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना ये रीजन में भी रेड अलर्ट जारी किया है सीवियर हीटवेव के लिए और नीचे उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, थार, देवास ये रीजन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सेंट्रल एमपी में स्पेशली भोपाल, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर और अशोकनगर, टिकमगढ़ ये रीजन में येलो अलर्ट हीटवेव के लिए दिया है और 28th में भी ये स्थिति ही रहेंगे, इसका येलो और ऑरेंज अलर्ट में हमने हीटवेव के लिए वार्निंग रख रहे हैं। तो लगभग देखा गया तो ओवरऑल आने वाले ये हफ्ते में टेम्परेचर ये स्थिति में रहेंगे और कुछ कुछ जगहों पे बढ़ोतरी का भी चांसेस है, तो उसके हिसाब से अभी हीट से बचने के लिए प्रिकॉशंस लेना है। लाइट कलर का कपड़ा पहनना, हमेशा हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है और कहीं पे भी कुछ हीट स्ट्रोक की वजह से कुछ इश्यूज़ किसी को दिख रहे हैं तो इमीडिएटली उनको मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल हेल्प देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।